हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीके एडिटिंग जोन। तो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ एक और इंडिपेंडेंट स्पेशल फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो गाइस, जैसा कि पता है आपका भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो सीधे चलते हैं अपने एडिटिंग की ओर। तो गाइस, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से इस पोज में एक पिक्चर है जो शूट कर लेना है अपना। तो गाइस, कुछ इस तरह से फोटो शूट कर लेना है। फोटो शूट करते समय बात का ध्यान रखना है गाइस कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एक ही कलर का होना चाहिए, मल्टी कलर का नहीं होना चाहिए, वरना फोटो एडिटिंग अच्छे से नहीं होगा। तो फिर गाइस, आपको अपने स्मार्टफोन का एक क्रोम ब्राउजर है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर देखिए सर्च बार में आपको टाइप करना है remove.bg। आपको यहाँ पर टाइप करने ने पहले से कर रखा है तो यहाँ पर आ गया, तो इसको यहाँ सिंपली सर्च कर देना है। इसको सर्च करने के बाद गाइस, कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइस, यहाँ पर देखिए अपलोडिंग इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपका पिक्चर है जो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और ऐड कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस, यहाँ से कुछ इस तरह से साइड से हमारे पिक्चर का PNG है जो इमेज हमको मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, मेरा यहाँ पर देखिए PNG इमेज आ चुका है, तो इसको सिंपली यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको सिंपली बैक आना है अपने होम पे, और यहाँ पर देखिए गाइस PicsArt ऐप है, इसको ओपन कर लेना है। गाइस, आपके पास मेरे वाले PicsArt का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, PicsArt ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और फिर गाइस, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं जितनी भी फोटो का यूज करने वाला हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले गाइस, सबसे पहले हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना PNG इमेज है जो यहाँ से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइस, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप इस साइड भी रख सकते हो, या फिर इसका यहाँ पर देखिए रोटेशन है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो आप कुछ इस तरह से। तो गाइस, मैं एक बार ये वाला कर लेता हूँ। और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको सेट कर देना है अपनी इमेज को। और फिर गाइस, यहाँ पर देखिए इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से देखिए गाइस, नीचे पैरों का है जो यहाँ से आपको एक और इरेज पर क्लिक करके इसको यहाँ से इरेज करना है। और गाइस, इस पर क्लिक करके आप इसका सेटिंग है कुछ इस तरह से कर सकते हो, इसका हार्डनेस कम करके, और ओपेसिटी है वो भी थोड़ा सा कम कर लेना है। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसको इरेज करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो गाइस, जिसका थोड़ा सा नीचे का है तो आपको बिल्कुल इरेज कर देना है एकदम से। यहाँ पर देखिए ओपेसिटी को बढ़ाकर कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पर देखिए ओपेसिटी कम करके ऊपर का थोड़ा थोड़ा हमको इरेज करना है कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद गाइस, एक बार आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है, और फिर गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, और फिर से गाइस आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस, मेरे पास एक इंडिया का फ्लैग का इमेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले गाइस, वो ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसका भी हम रोटेशन चेंज कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए गाइस, इसको थोड़ा सा इधर से घुमाएंगे, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ जूम करेंगे इतना, और यहाँ पर सेट कर देंगे अपने हाथ के बीच में। तो फिर गाइस, यहाँ पर देखिए इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा जूम करना है। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको इसको इरेज करना है। और फिर गाइस, आपको एक बार राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, और फिर गाइस आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस, मेरे पास एक वर्ड का इमेज है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले गाइस, वो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इसको सेट कर देना है अपने कंधों के ऊपर कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ से सेट कर देंगे। फिर गाइस, इरेज पर क्लिक करेंगे, और इसको जो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ से इरेज कर देंगे कुछ इतना। इतना इरेज करने के बाद गाइस, आपको एक बार राइट के निशान पर क्लिक कर देना है, और फिर गाइस स्क्रीन पर टैप करना है, और फिर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। और फिर गाइस, मेरे पास एक टेक्स्ट का इमेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले गाइस, वो ऐड कर देते हैं, और कुछ इस प्रकार से यहाँ से सेट कर देते हैं, और एक बार स्क्रीन पर टैप कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर देखिए लेंस फ्लेयर पर क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए येलो वाला ये लेंस फ्लेयर है, इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करके आपको यहाँ पर आई पे सेट कर देना है कुछ इस तरह से। और फिर गाइस, आपको यहाँ पर देखिए ऊपर डबल लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और इसका डुप्लीकेट हमें निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको नीचे ए पर सेट कर देना है आपको कुछ इस तरह से।
फिर गाइज आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और गाइज कुछ इस तरह से हमारा फोटो एडिटिंग हो जाएगा। तो इसके बाद गाइज आपको एक बार राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए ब्रशेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर देखिए ये स्टार वाला है, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। हल्का हल्का आपको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करना है, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपको इसको ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। तो फिर गाइज यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ फ्लैग पर भी कर देते हैं। तो इतना हो जाने बाद गाइज यहाँ पर देखिए एक बार ओके कर देंगे। ओके करने बाद गाइज आपको यहाँ पर देखिए इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर देखिए HDR का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने बाद गाइज कुछ इस प्रकार से हमारा फोटो में इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो गाइज देखिए हमारा इस प्रकार से फोटो है जो HD हो गया है। तो इसके बाद गाइज आपको राइट के निशान पे क्लिक करना है। तो गाइज हमारा फोटो बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज अब हम इसे गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए एरो का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए गाइज गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइज हमारा फोटो है जो गैलरी में सेव हो गया है। तो अब आप गाइज इसे अपना DP भी लगा सकते हैं या फिर कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। और गाइज जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए देना आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए भाई आपके लिए लेकर आएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।